तो चलिए मनाली से लेह को जोड़ती इस टनल की सैर पर चलते हैं। मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा जो दुनिया में और कहीं नहीं है। पीर पंजाल की चट्टानों के बीच बनी करीब 9 किलोमीटर लंबी 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल। ये टनल बनाने में करीबन 15 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल इससे एक्सकेवेट हुआ। इसमें करीबन 4.5 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगी है और 70,000 से 75,000 टन इसमें स्टील लगी है। इंडियन आर्मी का ऐसा इनिशिएटिव जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और अफगान्स ने कड़ी मेहनत, बेहतरीन प्लानिंग और शानदार एग्जीक्यूशन से तैयार किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इस हाइट पे हमने इतनी लंबी टनल बनाई है। ये दो वैली को जोड़ती है, कुल्लू मनाली वैली को और लाहौल स्पीति वैली को। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स, हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरास, इमरजेंसी कॉल के लिए टेलीफोन्स, हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट्स हैं। टनल की छत को वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए डिजाइन किया गया है। सुरक्षा के सारे इंतजामों पर बारीकी से नजर रखता ये मास्टर कंट्रोल रूम भी है। अटल टनल के अंदर जो भी सिस्टम इंस्टॉल है, इलेक्ट्रिकल हो, वो मैकेनिकल हो, टेलीकॉम हो, वो सारा सिस्टम हम स्काडा के थ्रू यहाँ से ऑपरेट करते हैं। अभी सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस पे 150 कैमरे हैं, ऑटो रिकॉर्डेड हैं ये। सबसे जरूरी बात, इसने मनाली से लेह का रास्ता 50 किलोमीटर कम कर दिया है। आप अब ये रास्ता 4 से 5 घंटे जल्दी तय कर सकते हैं। यही नहीं, लाहौल से स्पीति का रास्ता जो पहले 6 महीने तक बंद रहता था, अब इस टनल की बदौलत पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। लाहौल स्पीति लोकल पीपल वेयर कट ऑफ फॉर 6 मंथ्स एवरी ईयर ड्यू टू स्नो इन दैट माउंटेन्स। नाउ बट दे कैन मूव होल ईयर। ये टनल आसपास के लोगों के लिए वरदान भी साबित हुई है। इसके सहारे मेडिकल फैसिलिटीज को सही वक्त पर पहुंचाने में मदद मिली है। पहले जो है पेशेंट को हमें रोहतांग दर्रे से ले जाना पड़ता था, तो हमें हॉस्पिटल पहुंचते तक जो है 7-8 घंटे लग जाते थे। कुछ क्रिटिकल जो पेशेंट हैं उनकी जो है डेथ रास्ते में ही हो जाती थी। लेकिन जब से ये अटल टनल खुला है तो हम हॉस्पिटल पहुंच पा रहे हैं और पेशेंट को भी जो है अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। टनल बनने से पहले यहाँ पे क्या था, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी, लाइक आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। 6 महीने ये जगह जो थी वो कट ऑफ रहती थी। एक्चुअली मनाली से सिसु अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया हुआ है और कनेक्टिविटी और सिटीज़ के साथ लाहौल की बन चुकी है, जिसको सोचते हुए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करूँ। यही नहीं, अब इस इलाके में टूरिज्म भी फल फूल रहा है। क्या बात है, टनल एक फायदे अनेक। इसीलिए तो इस टनल से हर रोज करीब 4,500 गाड़ियां गुजरती हैं। अटल टनल लोगों के जीवन को आसान बनाती है, भारत की प्रतिभा का एहसास दिलाती है और सफर को इतना खास बनाती है कि इसमें से गुजरने वाला हर इंसान यही कहता है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।